नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज। आज नालागढ़ में एसडीएम नालागढ़ व नगर परिषद के सहयोग से वृक्षारोपण अभियान के तहत पौधे लगाए गए। प्रदेश में बढ़ रहे प्रदूषण को देखते हुए हिमाचल के मुख्यमंत्री द्वारा पौधारोपण का जो अभियान चलाया गया है, उसके तहत नालागढ़ उपमंडल में एसडीएम व नगर परिषद के सहयोग से नालागढ़ में पौधारोपण किया गया। एसडीएम नालागढ़ प्रशांत देष्टा ने बताया कि नालागढ़ उपमंडल में 2000 पेड़ लगाए जाएंगे और जल्द ही सड़कों के किनारे भी पेड़ लगाए जाएंगे। इस मौके पर उन्होंने कहा, पेड़ों का पर्यावरण संतुलन में सबसे प्रमुख स्थान है। उन्होंने लोगों का आह्वान करते हुए कहा कि वे हिमाचल सरकार द्वारा चलाए गए इस पौधारोपण के अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाए। उन्होंने ये भी कहा, लोगों को मात्र पौधारोपण तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि पौधों के संरक्षण में भी उतनी ही गंभीरता के साथ अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पौधों का संरक्षण होगा तभी वह पेड़ बनेंगे और मानव जाति के कल्याण के लिए अपने निस्वार्थ भूमिका अदा करते रहे। नालागढ़ उपमंडल, जो भारत सरकार ने जल शक्ति अभियान स्टार्ट किया है, हिमाचल में एक प्रोजेक्ट बेसिस पे सेलेक्ट हुआ है हमारा डेवलपमेंट ब्लॉक, तो उसी के तत्वावधान में आज वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया है एमसी नालागढ़ की तरफ से, जिसमें कि सभी लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से और अपने हाथ से प्लांट्स लगवाए, उसी लक्ष्य को सामने रखते हुए सभी ने मिलकर के आज ट्री प्लांटेशन किया है। 100 के करीब पौधे लगाए। सर, पिछले साल भी लगे थे पौधे, उनकी हालत बहुत खराब है सर। ये विषय जो है, जो मॉर्टेलिटी रेट है, उसके पीछे कुछ रीज़न रहते हैं। या तो ज़मीन उपजाऊ नहीं है, उपयुक्त नहीं है भूमि पौधे लगाने के लिए, या प्रॉपर हम उसकी ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कीड़े होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, एक कीड़ा जो होता है वो पौधे को नुकसान करता है, उसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए। उसके साथ साथ जो एक छोटे पौधे की उम्र है, अगर वो 150-200 साल का एक कंसिडरेबल हाइट का पौधा लगाया है, तो उससे मेहनत करने की आवश्यकता कम रहती है। उसके साथ साथ उसको देख रेख करना, ट्री गार्ड प्रॉपरली लगे तो वो भी हमें इंश्योर करना है, पानी मिले, वो तो मैं आपकी बात से ऐसी केयर होनी चाहिए, ऐसी ही केयर होनी चाहिए। फ़ोटो खींचने तक हम सीमित ना रहें, उसकी अच्छी केयर करें, उसको एक बच्चे की तरह खड़ा करें, तो ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। केंद्र सरकार की तरफ से जल शक्ति अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत आज नालागढ़ में पौधारोपण किया गया, और इसके अलावा रोज़ कोई ना कोई एक्टिविटी करी जा रही है, जिसके अंतर्गत हम रैलीज निकाल रहे हैं शहर में और लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि जो वाटर लेवल है काफ़ी डाउन चला गया है, उसको अप करने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक्स बनाए जाएँ और वाटर रिचार्ज के लिए सोक पिट्स बनाए जाएँ और पेड़ लगाए जाएँ, जो व्यर्थ लोग पानी बहा रहे हैं नालों से उसको रोका। जो है हमने हर रोज, हर दो से तीसरे दिन हर वार्ड में जो है वाटर जल शक्ति अभियान चलाते हैं, और इसी के अंतर्गत आज हमने जो है पेड़ों को लगाया है, क्योंकि जो पेड़ है उनकी जड़ें जो हैं वो पानी को अपने अंदर जो है सूचित करती हैं, जब ये पानी इकट्ठा होता है वही एटमोसफेयर में जाकर जो है लोगों को मिलता है, उससे जो है उसी से रेन होती है, तो ये जो एक साइकिल है जो ये एटमोसफियर में जो पौधों का जो है वो हमसे जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और जो उसको पानी को लेके ये सारी क्रिया होती है, इसे हम फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं। नेशन न्यूज़ के लिए नालागढ़ ब्यूरो, मोहम्मद रफी की रिपोर्ट।